चाहते क्या है, खुद तो लंदन में बैठ रहे हैं और मुझे इधर घटिया से स्कूल में भेज दिया। जो मैंने पिछले स्कूल में करा वही मैं इस स्कूल में करूंगी। मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं हो सकता। क्या अंधा है क्या, दिख नहीं रही हूँ मैं, देखो आ रही हूँ। कहाँ है तेरा दिमाग, हंस क्या रहा है, अंधे से तो बहरा भी हो गया है क्या, कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ, कुछ तो बोल। अरे कुछ बोलेगा। अच्छा सॉरी सॉरी मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये लड़की है कौन, इतने गुस्से में। सॉरी सॉरी मैं बोलूंगी, बल्कि सॉरी तुझे बोलना चाहिए, ठीक है। हंस रहा है ऊपर से, क्यों चिल्ला रही है इस बेचारे पर, इसको तो ये भी नहीं पता कि बेचारा सुन भी नहीं सकता। अंधा बहरा पता नहीं कहां कहां से आ जाते, लोग चल निकल यहां से। इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। यार मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आजकल इस स्कूल में चल क्या रहा है। यार तुझे आज हो क्या गया है, आज सुबह सुबह। यार कुछ नहीं हुआ मुझे, स्कूल देखा है कि जिस किसी को भी देखो एक दूसरे के साथ लगा पड़ा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है स्कूल में। हाँ यार तू सही कह रही है, सब एक जैसे ही हैं, बट हम दोनों तो ऐसे हैं नहीं। ये स्कूल कम लव स्कूल ज्यादा लगता है। और तो और तूने वो नई मैडम देखी है जो आई हुई है। कौन सी मैम? जो सेक्सी सी लगती है। अच्छा वो, हाँ देखा है मैंने उन्हें। अब देखना तू, स्कूल के जो अभी लड़के बचे हुए हैं ना, वो सब भी उस मैडम के चक्कर में पड़ जाएंगे और कुछ नहीं होना। हाँ यार तू सही कह रही है, अब ऐसे ही होगा। चल यार छोड़ ये सब, हम लोग पढ़ाई करते हैं। बेबी मैं आ गया, चले क्या यार, जल्दी चलो प्लीज, बहुत लेट हो गया, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है, अभी आ रही हूँ। अरे यार तुम भी उन बच्चों में से हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। अरे ये कौन है मस्त आइटम, इस पे तो ट्राई मारना ही पड़ेगा। चल बेटे इस पे तो ट्राई करना बनता है। ये बॉय यार मेरा तो हुलिया ही ठीक नहीं है, पहले इसे चेंज करते हैं। अब ठीक है। हेलो मिस। यस। आप कौन? बड़ी सुंदर लग रही हो। इस स्कूल की तो नहीं लग रही हो मिस आप। बेटा आई एम योर टीचर, आप कौन हो आप बताओ। ओह अच्छा, मैं इस स्कूल का हेड बॉय, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओह अच्छा बेटा आई एम योर टीचर, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई नीड नहीं है।
हेलो प्राची, आप आ गए हो, प्लीज कम आइए। हेलो प्राची बेटा, कैसे हो आप और मम्मी पापा कैसे हैं आपके? आप मेरी फिक्र मत करो और ना मेरे माँ बाप की करो, आप ये फिक्र करो कि आपको स्कूल कैसा है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या मतलब, यहाँ के बच्चे कितने घटिया किस्म के हैं, स्पेशली बॉयज। हुआ क्या है प्राची आपको, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में? क्या आपको मेरे पेरेंट्स ने बताया नहीं मेरे बारे में? बेटा मुझे पता है आपके बारे में, पर लेकिन आप यहाँ पे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। ये स्कूल बहुत ही डिसेंट है, यहाँ बहुत ही अच्छे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जब मैं सुबह एंटर कर रही थी, सुबह एक लड़के ने मेरे को धक्का मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, धक्का ही तो है, गलती से ही लगा होगा ना आपको, किसी ने जानबूझ के तो आपको धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं, होता रहता है, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा सिर्फ धक्का था? मैम मैं मार के दिखाऊँ आपको धक्का? यानी क्या बात करते हो मैम आप भी। बेटा रिलैक्स, चिल, अभी मैं आपको एक लड़के से मिलाती हूँ, हमारे स्कूल का बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, वो आपको पूरा स्कूल घुमाएगा और आपको उसके साथ घूम के स्कूल में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? हेलो 12C की मैम को ऑफिस में भेज दो प्लीज़। तुम? अरे अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैम यही तो है जिसने मुझे सुबह स्कूल में धक्का मारा था। कोई बात नहीं बेटा, अगर धक्का लग भी गया तो मयंक ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है और ये ऐसी गलती करेगा ही नहीं। ठीक है मैम। मयंक बेटा तुम उसको पूरा स्कूल घुमाओ, ठीक है? ओके 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 ओके। ये ग्राउंड है हमारा स्कूल का और ये कैंटीन है यहाँ पे और वो वाटर टैंक है, ठीक है? और पीछे ग्राउंड है अपना, ठीक है? ये लड़की चाहती क्या है, मैंने सुबह भी इसे देखा था, ये इसके पीछे पड़ी थी एंड दोबारा भी ये इसके पीछे पड़ी है। इस मेंटल को पता नहीं है क्या मयंक को कम सुनाई देता है। आ जाओ मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाता हूँ। चल शेप कहीं का निकल यहाँ से। इसको तो मैं बताऊंगा। हे यू सुन। ओ हेलो, पहली बात ना तमीज में, और अब बोल क्या काम है? तुझे सुबह से देख रहा हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है उस मैन से, जब देखो जब उसे परेशान करते रहती है। मतलब तू कहना क्या चाहता है, तुझे प्रॉब्लम क्या है मैं कुछ भी करूँ उसके साथ, तू होता कौन है? सुन मैन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सुबह से देख रहा हूँ तू उसे परेशान करे जा रही है, और तुझे पता है उसे सुनाई कम देता है, वो सुन नहीं सकता हमारी तरह। ओह सीरियसली, आई एम सो सॉरी मसी, मुझे नहीं पता था उसको सुनाई नहीं देता है, मैं अभी जाके उसको सॉरी बोल के आती हूँ। ओ यार मैं कितनी गलत थी, ही सो क्यूट, कितना अच्छा गाता है वो, मैं अभी जाके उसे सॉरी बोल के आती हूँ। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट। हाय मैम, मुझे पता नहीं था तुम्हें कम सुनाई देता है। इट्स ओके, चल खड़ा हो। यार बेबी आप इतने क्यूट क्यों? यार मुझे पता है, कुछ नया बताओ। अच्छा कुछ नया बताओ, तो यार आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। यार मुझे पता है कुछ नया, तो कुछ नया बताओ। एक बात बता, तो 12th होने के बाद मुझे मिस करेगी? तुझे हाँ भूल जाऊंगी। बचपन से तो अपन साथ पढ़ते हैं और तूने मुझसे प्यार किया और अभी तो 12th में आ गए तो भूल जाएगी? अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा एक और पता क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ नहीं, पढ़ाई तो होती नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास। आई लव गुरु, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी बताते हैं। ओए मुस्कान। हाँ तूने वाला गाना सुना? कौन सा वाला? जो ये जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस
स्कूल नहीं जाना है। जानी समझ गई। तभी तो तू मेरा बचपन का प्यार है। तभी तो मैं छोटा सा रह गया। ज्यादा मत बोल, चुपचाप बैठा रहे। कौन सा वाला काम? अरे भी सेटिंग वाला। कहाँ यार, अभी तो बहुत ठंडा पड़ा है। और हम स्कूल करने भी क्या आते हैं? इसकी सेटिंग उससे, उसकी सेटिंग इससे, और हमारा काम ही क्या है? हाँ यार सही कह रही है। वैसे भी स्कूल कम, लव स्कूल ज़्यादा लगता है। बच्चे तो बच्चे, टीचर तो टीचर, स्कूल यार कम लगता है, लव स्कूल ही ज़्यादा लगता है मेरे को तो। हद है सच्ची में। जब हम यहाँ से पास आउट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत मिस करेंगे। क्यों, उसके बाद क्या होता है हमारी शादी? ओए अमन भाई, आ जाऊं क्या? आ जा। सुन ले भाई, इधर तो आ जा। अच्छा मेरा एक काम करा दे यार। मुझे तेरे साथ लड़की रहती है, मकान उससे मेरी सेटिंग करा देना यार। अरे साली तू क्या है क्या, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करता है? मेरी बंदी है वो यार, करा देना, वो तेरी हाइट की भी नहीं है। अरे तू जानता है उसे, हरियाणा से है, दोनों को मार मार के आधा कर देगी। भाई दिखा देना तूने अपनी दोस्ती, एक लड़की के लिए तो अपने दोस्त के साथ ऐसा कर रहा है। और तू ठंडा रहना, मेरी सेटिंग देते हैं, तुझे बना दूँगा। है सच्ची? चल चल ठीक है, तुम भी नीचे। ठीक है नीचे। क्या कह रहे हैं जुल्फी को? अरे कुछ नहीं यार, वही अपना बिजनेस सेटिंग करने वाला। मतलब फंस गया मतलब। चल चल भाई, इनकी सेटिंग तो अब हम कराएंगे। पता नहीं ये स्कूल में पढ़ने आते हैं फिर आज की करने आते हैं, इनको तो अब हम बताएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आते हैं जब पढ़ना नहीं होता है तो। तू टेंशन क्यों ले रहा है, सालों की दही हम तोड़ते हैं। चल मसी। चल। यार मसी, आज मौसम भी बढ़िया और हाथ पैर भी बढ़िया, क्यों ना आज कर दे चक दे पट्टे। सही कह रहा है भाई तू, आज हो ही जाए धुड़ुम धुड़ुम। इन चारों को देख क्या मौज लड़ा रहे हैं वहाँ पे, आज बताते हैं इन सालों को। उस दिन देखा था कैसे आशिकी लड़ा रहे थे क्लास में। यार तुम दोनों सच बताऊं, आज तो मेरा बहुत मन है उछल उछल के मारने का। चले उठा पटक दूंगा उछल के। मुझे तो उछलने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी लंबा हूँ, देखता हूँ कैसे आज इनकी दही तोड़ता हूँ। अब देख इन चारों को कैसे बुलाता हूँ, अब बुनते हैं इन सालों को। ओए चारों इधर आओ। अबे उसको क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? यार वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो तो बेचारा सुन भी नहीं सकता, वैसे भी वो इन सब मामलों में नहीं रहता। ये तीनों को लो। हाँ भाई क्यों बोला है? बेटा ये क्या चल रहा है स्कूल में? क्या चल रहा है, सब बढ़िया तो चल रहा है भाई। और क्या सीन है तेरा दिव्या मैम और मुस्कान के साथ? क्या सीन है, कोई सीन नहीं है, और तू अपने काम से मतलब रखना। तुम तीनों को तो अब हम बताएंगे। और तू शकल देखी अपनी, पढ़ लिख ले, बंदीबाजी कर रहा है, कुछ बन जाएगा। अबे मेरी शकल का तो छोड़, तुम तीनों ने अपनी शकल देखी है? मतलब तुमसे कोई बंदी सेट नहीं हुई तो हम लोग से खिलसोगे? जाके जरा फेशियल वेशियल करा, उसके बाद ही बंदी इतनी सेट होगी। Hey everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Face के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक already running है, तीन चार और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज़ में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।